जीपी में करते वक्त एन विल स्टार्ट फ्रॉम वन एंड इट विल गो टू द एनथ एनथ टर्न. ओके, समझ में आया? सो यू हैव टू प्रैक्टिस दिस. ये जीपी का क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करो, फिर समझ में आएगा. एक्सक्यूज मी सर. यस सर, एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं तो मैं सोचा था सर मैथ्स के लिए कितना टाइम देने से हो जाएगा, क्यों ब्रदर? देखो 4 आवर्स कम से कम प्रैक्टिस कर लो, 4 आवर्स में तो मैथ बहुत अच्छे से हो जाएगा, क्यों प्रॉब्लम? सर 4 घंटा थोड़ा ज़्यादा नहीं हो जाएगा, क्यों प्रॉब्लम? हाँ वो तो है, एक काम करो, स्कूल के क्लासेस वासेस रहते हैं तो 2 घंटा पढ़ लो, आई थिंक 2 आवर्स इज एनफ. हाँ क्यों प्रॉब्लम? सर 2 घंटा अगर मैथ्स को देंगे तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स कब पढ़ेंगे, क्यों प्रॉब्लम? अगर 2 घंटा भी नहीं पढ़ा हो रहा है, एक काम कर लो आधा घंटा ही पढ़ लो, आधा घंटा पढ़ लो या फिर 5 मिनट पढ़ लो, क्यों प्रहलाद? दिस इज नॉट फेयर सर, अब आप मजाक कर रहे हैं, क्यों प्रहलाद? अब वो सब छोड़ो, एक काम करो पहले बताओ ये जो एस एन टर्न जीपी का कॉपी में लिख के समझे कि नहीं? सर आपने तो मेरे मुंह की डाउट चीर ली, क्यों प्रहलाद? तुम दोनों पढ़ाई तो करते नहीं हो, नौटंकी करवा लो अलग से. एक काम करो, ये जो बुक रखा है ना, ये बुक पूरा मुझे आज खत्म चाहिए, 2000 क्वेश्चन है उसमें, वो सब खत्म करके आना, ये तुम्हारा असाइनमेंट है, ठीक है? 24 घंटा मैथ करो अब बैठ के, 2 घंटा आधा नहीं, पूरे 24 आवर्स करो, तुम्हें यही चाहिए, डू इट. तुम्हारी वजह से ही हम लोग ऐसे फंसे हैं, क्यों प्रहलाद?